सेकेंडली जब जैसे से ऊपर पहुँचेंगे ना ठाकुर यहाँ पर, ऊपर जाने के बाद वहाँ स्पर्श आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जितनी भी हम बर्फ आ चुकी है। क्या देख रहे हो कैसा समय है, बिल्कुल एडवेंचर चल रहा है ब्रो ये तो। ओह भाई साहब ये क्या हो, मैं तुम्हें दोनों चीज़ों में डिफरेंस कर रहा हूँ। खराब तो है ना, ये विलेज है, छोटा सा टाउन है, मतलब विलेज है छोटा सा। ये देखो गाइस, गुड मॉर्निंग हमारी ले में। बाहर इतना गंदा वेदर हो रहा है ना, बारिश धूप बहुत अजीब सा। तो आज हमारे वही का हमारा प्लान है खारदुंगना निकलने का, खारदुंगना निकलेंगे और देखते हैं क्या होता है। भाई मैं बैगिंग कर रहा है, भाई जी ऐसे जाओगे आप? गाइस अभी ना आज नींद ठीक ठीक पूरी हुई ना आज? हाँ मैं खुद अभी ऐसे हूँ, बस और 10-15 मिनट रेडियो के निकलना है। ये देखो गाइस अब जनता यहाँ बैठ रही है सारी। जय भाई, शोर की आवाज आ रही थी मुझे कहीं से, ये शोर कर मुझे आ रहा था अभी। हेलो दीपक जी, शोर में जा रहे थे आप? हाँ सर, खारदुंगना इज ओपन। ओपन? हाँ जी यश भाई। हाँ जी सर, क्या सीन है? हाय हाय, वो खड़ी गाइस अपनी बाइक एंड गाड़ियाँ। वेदर थोड़ा क्लियर नज़र आया, वो देखो जबरदस्त। अंदर दिखाऊं मैं व्यू यहाँ का, देखो है ना जबरदस्त। तो फटाफट से रेडी होते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। चलो भाई चलो चलो चलो। ओके पीपल, तो गाइस बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि अपडेट क्या आने वाला है। अपडेट अभी का यही है कि खारदुंगना पास ओपन है गाड़ियों के लिए भी और बाइकर्स के लिए भी, तो अभी हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट से रेडी होते हैं, सामान वगैरह पैक करते हैं और निकलते हैं। पहले हमें यही था कि अगर बाई चांस रोड बंद हुए तो हमें रुकना है, और मेन क्वेश्चन ये था कि रुकना कहाँ है, क्योंकि आज का हमारा बुकिंग का कुछ सीन नहीं था यहाँ पे। तो थैंक यू, सांस चढ़ गई मैं भाग भाग के आया हूँ। तो लेट्स गो, फटाफट से रेडी होते हैं फिर मिलते हैं बाइक पे। ओके पीपल, तो सामान अपना रेडी है, बाइक पे बांध दिया पूरा। तो बस अभी उधर देख के आ रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो लेनी ज़रूरी है, क्योंकि खारदुंगना पास करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। क्यों जे भाई, खारदुंगना पास करना कोई ईजी टास्क तो नहीं है? बाइक पे टफ है, बाइक पे कुछ चैलेंजेस है। आज टेस्ट डे है हमारा, ये थी अपनी लोकेशन। तो लेट्स गो, खारदुंगना पास है, ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, गियर शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगर गियर आप बड़ा गियर लोगे आप आगे नहीं आ पाओगे लाइन ऑफ फॉर्मेशन में, छोटा गियर फर्स्ट सेकंड ही होगा। थर्ड गियर आपका तब खींचेगा जब आपको लग रहा है कि मतलब अच्छी मतलब पावर बन गई है, तब ही। थर्ड मतलब हाईएस्ट है यहाँ पे, थर्ड से ऊपर जाने नहीं, ठीक है, तो बहुत रेयरली यूज़ होगा। सेकंडली जब जैसे से ऊपर पहुँचेंगे ना खारदुंगना पे, ऊपर जाने के बाद वहाँ स्लश आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी हम बाइक चलाएंगे ना, मतलब आपको उसके टॉर्क पे खींचना है, तो क्लच है ना वाला टॉर्क पे, कहीं भी ना एक्स्ट्रा रेव मत करना, जहाँ एक्स्ट्रा रेव करोगे टायर स्लिप मार जाएगा, ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, ट्रैक्शन के लिए। और एक पॉइंट ऊपर ऐसा आएगा जहाँ पे ऊपर जाके हो सकता है कि ना भी हो, बट मैं पहले से एक वर्स लेके चल रहा हूँ दिमाग में कि ऊपर आपको ब्लैक आइज मिलेगा। अब जब ब्लैक आइज ऊपर मिल जाती है ना, उसके बाद फिर तुम्हारा ये होता है कि टायर ट्रैक्शन नहीं होता, बहुत दिक्कत होती है। तो वो एक ही तरीका है, जितना लो आरपीएम पे चल सकती है बाइक, जैसे जितनी आ रही है रॉयल एनफील्ड वो तो चल सकती है, ठीक है, लो एंड टॉर्क है अपने पास। बट अगर कोई हाई एंड टॉर्क की बाइक है, ईएसडी है, इन आपका मुझे नहीं पता हाई एंड पे चलती है, सेकंड गियर के बाद टॉर्क उठाती होगी ना ज़्यादा, हाँ, तो आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। बट टेंशन मत लेना, क्रैम्पॉन जिसके पास है पहन लो, ठीक है, मैंने ले लिए, और बाकी हम लोग बैकअप के लिए, ठीक है, जितने क्रैम्पॉन्स वाले बंदे हैं ना वो रेडी रहना, हेल्प करेंगे, ठीक है। क्रैम्पॉन्स वाले बंदे ऑटोमेटिकली, नहीं नहीं
क्रैम्पॉन्स वाले बंदे पीछे रहेंगे, ठीक है, लीड पे मैं रहूंगा, मेरे पीछे मोस्टली जिनके पास क्रैम्पॉन नहीं है वो रहेंगे, और ठीक है बीच में तुम रहना, क्रैम्पॉन जिन्होंने पहन रखे उनको पीछे रखेंगे, जो क्रैम्पॉन से बहुत ग्रिप मिलेगी आपको बाइक उठाने के लिए ना, ताकि आप सड़क ना उनको जाने का, क्योंकि अगर आगे वाले ने ब्रेक मारा और वो गिरा तो तुम भी गिर जाओगे। आपको अगर ऊपर रश मिला, ऊपर जाम मिला, आपको लगा आपका काफिला कहीं खो गया भटक गया, टेंशन मत लेना, हम ऊपर ही आपको मिलेंगे, मतलब आपसे ज्यादा ध्यान ना हम आपका रख रहे होंगे, रियर व्यू मिरर में पूरे टाइम हम देखते हुए चलते हैं हमारा कौन सा बंदा था, ठीक है, कनेक्टेड हम रहेंगे, दो बंदे तीनों बंदे हम कनेक्टेड रहेंगे, हमें पता टेंशन बिल्कुल मत लेना, आपको लगे ना मैं बिछड़ गया, ये हो गया, पैनिक मत होना, बस इन शॉर्ट पैनिक हो गए तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है, ब्लैक आइस में भी मत होना, हाँ ब्लैक आइस में बिल्कुल गिर गए कोई बात नहीं भाई, गिरने के लिए सब बैठे हुए, गिरेंगे फिर उठाएंगे फिर चलेंगे, ठीक है, आप सबसे पीछे रहना बैकअप में ना, इन केस अगर बिल्कुल स्लिप हो जाती है ऐसा कुछ रहता है ना, हाँ। तो आप पीछे, ठीक है, ये अभी इसको निकलना है, ठीक है, ठीक है, बाइक आगे, तो प्लस पॉइंट ओके पीपल वी आर ऑल सेट टू गो, आ जाएंगे तुम्हें व्यूज़ बढ़िया बढ़िया, क्योंकि मैंने खरीद लिया था भाई, ये देखो ये खरीदा था मैंने कल, चोट लगी थी तुमने पिछले व्लॉग में देखा होगा मेरा, थोड़ा कॉस्टली आया था, लेकिन हाँ अब बढ़िया आएगा व्यू और तुम वीडियोस को एंजॉय करोगे, जो मेरी लास्ट 3-4 वीडियोस गई हैं उसके लिए भाई सो सॉरी यार, मेरी भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, टूट गया था, कहीं से मिल नहीं रहा था, तो अब ठीक है, इट्स गुड नाउ, तो लेट्स गो टू खारदुंगला एंड अचीव द ड्रीम द टारगेट, चले भाई चलो चलो चलो, ओके पीपल, तो आज की राइड अपनी शुरू हो चुकी है और व्यू भी मस्त आ रहा है सामने का कैमरा में, आई नो क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, ये है भाई ले की गलियाँ जहाँ से हम निकल रहे हैं अभी इस टाइम पे, ये ले का कुत्ता क्या बात है, अभी हम जा रहे हैं खारदुंगला हाईएस्ट पॉइंट एंड टॉप हाईएस्ट पॉइंट इज उमलिंगला जो हम जाएंगे और 2-3 दिनों में तो एक रिकॉर्ड बना देंगे यार, भाई साहब दिल्ली से आगे लेकर आए हैं इस बाइक को और जस्ट टू फुलफिल माई ड्रीम्स एंड जस्ट टू अचीव टारगेट्स, बहुत सही मज़ा आने वाला है आगे आगे जर्नी में, तो बने रहना भाई व्लॉग में और एंजॉय करना जर्नी, गाइस खारदुंगला का जो नज़ारा आने वाला है ना वो कुछ वैसा है, वो देखो सामने बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं, ये देखो गाइस क्या है सामने बोलो वाले पहाड़ दिख रहे हैं, इस साइड भी तो हमने वहीं जाना है, उनको क्रॉस करके हमने जाना है नूबरा वैली, तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट कि हमारी जर्नी बढ़िया रहे, हमें जो भी इशू होने वाला है रास्ते में मुझे पता है बहुत कुछ होने वाला है वो अच्छे से हो जाए, सब बढ़िया हो जाए, तो ज़्यादा किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और बस भगवान से यही दुआ है अभी तो कि सब बढ़िया तरीके से बढ़िया जर्नी हो जाए, एंड तो गाइस अभी फ्यूल अप टाइम है और यहाँ देखो भाई साहब कितना रश है यार, वाह क्या बात है, क्या हो रहा है भाई यहाँ पे इतना रश, किस बात का रश है ये, क्या हो रहा है ये, गाइज यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बाइक के लिए बंद कर रखा है रास्ता, बाइक इनके ऊपर लोड करके लेके जा रहे हैं आगे, भाई क्या सीन है ये कुछ समझ नहीं आ रहा, वो देखो वहाँ पे BMW 1250 भी खड़ी है, क्या सीन है क्या नहीं अभी कुछ नहीं पता, देखते हैं क्या होता है, अगर आज नहीं जाने दिया तो वही प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, देखते हैं भाई क्या होता है, जो है ना मौसम मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है और जाने नहीं दे रहे आगे, बाइक्स नहीं जाएगी ऊपर, बाइक्स नहीं जा सकती, कोई श्योरिटी नहीं है कि मतलब कब तक खुलेगा, कल खुलेगा परसों खुलेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये गाड़ियों में जा रही है तो चेंज के साथ जा रही है, ठीक है, लोड करके दो बाइक ऐसे लेके जा सकते हैं दो लेकिन 1500 रुपये पर मतलब चार्ज है पर बाइक, 1500 बचा, अगर एक ही बाइक आती है गाड़ी तो 3000 हो जाएगा, और इसके बाद आगे कहीं यही 25 किलोमीटर बता
तो हम लोग इनकी गाड़ी में बैठ के जाएंगे। क्या कह रहे हो आप? हम लोग इनकी गाड़ी में बैठ के जाएंगे। हाँ, इनकी गाड़ी में हम बैठेंगे, हमारी बाइक पीछे लगे रहेंगे। ऐसी कैसी गाड़ी है? और ज़्यादा कैपेसिटी के लिए चीज़ तो ट्रक भी है। हाँ, बड़े ट्रक ट्रक ही है, ट्रक ही है। प्राइस वही है, प्राइस वही है। ओके पीपल, देखो भाई अपना जो जितना भी बाइक्स का सामान है वो जा रहा है एक इसमें, एक डाले में, और जो बाइक्स हैं अपनी वो अपलोड हो रही हैं अभी इसमें, और उसके बाद जाएंगी अपनी बाइक भी रेडी है, सामान सारा अनइंस्टॉल कर दिया है तो जाएगा अब सीधा इसमें और बाइक जाएंगी इसमें। तो बाकी अपडेट देता हूँ इंस्टॉल होने के बाद। पंगा जो है ना सिर्फ स्नो का है भाई, वो पीछे से माउंटेन देख रहे हो उसका, बाकी सब ठीक है। वो धक्का लगवा दे भाई, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है अभी, हमें आगे जाके देखते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज यार। गाइस भसड़ मच गई है, बाइक्स नहीं आ पा रही है हमारी, बताओ। अमन भाई ठीक हो? देखते हैं भाई क्या करते हैं, अभी चल रही है प्लानिंग। ये क्या चाहिए भाई रावत, ये क्या हो रहा है? ऐसी जाएगा ही खारदुंगला तक, खारदुंगला जाके फोन करियो। भाई मैं तो ऐसे खड़ा हूँ बीच रस्ते, ये पैर में ऐसे लगा हुआ है नीचे, मजा आ रहा है मजा। कुछ पता नहीं अभी बाइक कहाँ चढ़ने वाली इनमें से। खारदुंगला दुंगला कैसे जाएंगे? फाइनली भाई अपनी बाइक भी अपलोड हो गई इस पर, और इतनी बाइक सारी एक और एक नीचे खड़ी है, दो एक और आ रहा है टाइम घुसा उसमें अपलोड करेंगे अब। अनप्लैंड चीजें थी, हम निकले वहाँ से और अनफॉर्चुनेटली हमें ये क्या सीन है अनिल भाई, क्या हो रहा है? ये यार वो बन रहा है ना शांति सुबह ना, अच्छा शांति सुबह पे एक और बढ़ता रहा। वो देखो गाइस नजारे कितने तगड़े, बहुत ही तगड़े होने वाले हैं, बहुत ही शानदार है ना जब पूरा स्नो कवर्ड होता है। ये गाड़ी जा रही है गाइस पीछे, ये ऊपर से वापस आ रही है, इनको जान नहीं दिया शायद वो अभी नहीं समझा पा रहा है, गाड़ियां बंधी हुई है और मजा आ रहा है। दिल्ली ही जिले से बाइक पे, बाइक से पहुंचे हम ले तक, और ले से खारदुंगला तक जा रहे हैं हम इसमें बैठ के, और बाइक हमारी होगी है इस पे कैंपर पे लोड, और आ रहे हैं इसमें मजा। रोहित भाई फुल मजे, एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं नहीं ये जो चीज है ना बहुत सही, मजा आ गया, बट अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, कैंसिल नहीं हुआ, और इसमें एक और बेनिफिट है। हाँ। जैसे आज इसके बाद हम कभी जाएंगे तो हमें ये डर नहीं लगेगा। हाँ। हाँ, राइट, फ्री होके जाएंगे। हाँ। इसके पहले तो हमने कर चुके हैं। हाँ, राइट, राइट, ऐसा राइट। हाँ, तो ये आज हो गया तो चलो अच्छी बात है, ऐसा पॉजिटिव वाइब से चलते हैं। ओके पीपल, तो हम पहुंच चुके हैं साउथ पुल में, साउथ पुल पहुंच चुके हैं, और हमारे सारे भाई लोग भी हैं साथ में, हम लोग आए इस गाड़ी में, और यहाँ पे हल्की हल्की स्नोफ्लेक्स गिर रही है, देख सकते हो अगर कैमरे में नजर आ रही है तो। वो देखो नजारे क्या बात है, मजा आ रहा है। खारदुंगला हम बाइक्स पे तो नहीं जा पा रहे लेकिन गाड़ी में जरूर जा रहे हैं। गाइस यहाँ पे अपनी सारी बाइक्स के नंबर लिखे जाएंगे, उसके बाद आके जाने देंगे, लद्दाख पुलिस तभी आने जाएगी, यहाँ पे चेक पोस्ट है, सारी बाइक्स के नंबर लिखे जाएंगे तब हम आगे जा सकते हैं, और फिर बाइक्स तो नहीं जा पाएंगी, बाइक्स इसके ऊपर जा पाएंगे और हम इसके अंदर बैठ के। और यहाँ पे स्नोफ्लेक्स पड़ी जा रही है, पड़ी जा रही है भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो भाई कितनी स्नो है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है, बहुत ही आनंद। क्या बात है, मज़ेदार, बर्फ बर्फ आ चुकी है। आप यहाँ पे ऐसे आ जाओ, देखो गाइस नजारे, मजा आ रहा है भाई, मजा अमेजिंग, पूरा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ है।
भैया बहुत अमेजिंग हो आप, मजा आ रहा है आपसे, आपके साथ ड्राइव पे जाके। बाइक दिखा दे अपनी एक बार, बाइक पीछे मजे लेती हुई आ रही है। ज़्यादा बंद कर ही पाते होंगे, एक दिन से ज्यादा बंद नहीं रखते होंगे, एक ही दिन बंद रखते होंगे जाए तो। बाहर के नजारे यार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई, विंटर में तो पूरा बंद होता होगा। बहुत सही, बहुत सही, बाहर स्नोफॉल हो रही है पूरी, थोड़ा सा ऑफ रोड आता है बीच में तो ये तो फिर सही बर्फ होता होगा, पूरा पूरा बर्फ, ट्रक बर्फ से निकलता है स्नो जेल लगा के निकलता है। और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ये वेलकम टू खारदुंगला, मजा आ गया भाई। शिवम भाई ये क्या है, बहुत सही भाई। ऑल राइट पीपल वेलकम बैक, सो दिस इज खारदुंगला। मजेदार यार, बहुत मजे, तीसरी बार, पहली बार, पहली बार बाइक अपनी जरूर वहां पे है, लेकिन मेरा तीसरी बार, क्या बात है यार, क्या बात है भाई, पहली बार और सीधा स्नोफॉल हो रही है अबे भाई, मजेदार, अमेजिंग अमेजिंग मैन। खारदुंगला हाई पास, और ये जो हाई पास है 17,982 फीट अचीव्ड, यस, ड्रीम पूरा हुआ। बाइक से नहीं आ पाए लेकिन गाड़ी से आ गए, कोई बात नहीं, अभी बहुत सारी अचीवमेंट्स कर लिए हमने, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। गाइस हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ पुल्लू और अपनी बाइक हो रही है अनलोड, देखो कैसे बर्फ जम गई इस पे, आए ये लो स्काउट भाई, ये लो खाओ यार, आए क्या बात है। अब ये अनलोड होगा, सारा सामान भी इसी पे था भाई, जम गई बर्फ, देखो ये देखो भाई क्या भैया, थैंक यू सो मच यार, यहाँ देखो सामान भी पूरा भीग गया, स्नो ही स्नो रखा है भाई। तो गाइस नॉर्थ पुली पहुंच चुके हैं, अभी ये होगा अनलोड और उसके बाद कुछ खाएंगे, फिर जाएंगे हम नुब्रा वैली, राइट नुब्रा वैली ना, नुब्रा, ओके नुब्रा, राइट 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 राइट। अनुरुद्ध भाई की बाइक, आपकी बाइक कहाँ गई, अभी तो यहाँ पे लेके आए थे, राइनो मिल नहीं रही, सारे बाइक जितने भी बाइक्स वाले थे ना भाई यहीं पे सबके सब इसी पे लोड करके लेके आए हैं, और यहीं से अनलोड करके अब बाइक्स पे जाएंगे आगे। तो ये है नॉर्थ पुल्लू, वहाँ पे है पूरा बीआरओ का बेस कैंप, तो लेट्स सी क्या बनता है आगे। गाइस अभी का अपडेट कुछ ऐसा है, हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ पुल्लू, हमने खारदुंगला से पहले आपका साउथ पुल्लू से भी पहले बाइक लोड करवाई थी ऐसे टेम्पोज पे, कि हमारी जो है बाइक्स नहीं चल सकती थी रोड के ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो थी, तो ऐसे बाइक लोड जो कि हमारी नॉर्थ पुल्लू तक आई, अब फिर से हमने उसको लोड कर लिया और सामान वगैरह बांध के अब हम निकलेंगे नुब्रा वैली के लिए। और यहाँ का जो कुछ वेदर है अभी स्नोफॉल हो रही है, देखिए स्नोफ्लेक्स पड़ रही है अभी भी, आप देख सकते हैं ये देखो स्नोफ्लेक्स लगातार पड़ रही है, और वो है कुछ स्नो पिक माउंटेन्स जो कि बहुत नज़ारेदार, और अभी तो सूर्य देवता जी भी आ गए, बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी चलते हैं कुछ खाते पीते हैं और आगे का अपडेट दूंगा मैं आगे जाके। ओके पीपल, तो ठंड के अनुसार देखते हैं कि ठंड में हमारी बाइक स्टार्ट कैसे, देखो बर्फ जमी हुई है भाई पूरी, कि ठंड में स्टार्ट कैसे होती है और कैसे नहीं, एक बार इसको मैं न्यूट्रल कर दूँ, न्यूट्रल हो गई, तो एक बार सेल्फ मारते हैं उसका और देखते हैं क्या परफॉर्मेंस है। अरे वाह, हो गई स्टार्ट, आई आवाज, क्या बात है। तो गाइस जब से पहाड़ों पे आए ना एक भी बार मैगी नहीं खाई, तो सोचा नॉर्थ पुल्लू में आके मैगी खाई जाए, तो अभी मैगी का कुछ सीन है, मैगी खाएंगे और चाय कॉफ़ी बुध पीते हैं और फिर करते हैं अपडेट। और वहाँ पे लगे हुए हैं पीछे कुछ स्टिकर्स,
एक स्टिकर अभी मेरा भी लगने वाला है। ओके पीपल, नॉर्थ पुल्लू में सियाचिन होटल में हम लोग अभी खाना पीना खा रहे हैं और मैगी वैगी हम खा चुके हैं, तो मैंने सोचा एक स्टिकर लगाया जाए अपना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे स्टिकर लगे हुए हैं, तो एक अपना भी लगेगा, बाकी लगा के दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे लग चुका है अपना स्टिकर, जब भी कोई आएगा आके स्टिकर पहचानो और मुझे टैग करके अपडेट दे। ओके पीपल, खाना पीना हो गया अपना, खारदुंगला से नीचे उतर के बाइक कर ली फिर से स्टार्ट, अब हम चलेंगे आगे नूबरा वैली की तरफ। यो अभिषेक भाई, चले क्या? ऑल द जोश, ठीक ठीक है। अभी आगे जाके देखेंगे, स्नोफ्लेक्स फिर से स्टार्ट हो गया अरिजीत भाई। ये देखो गाइस अपने तो मीटर पे ही बर्फ जमी हुई है अभी। भाई साहब मीटर पे अभी तक बर्फ है यार, लेट्स गो यार, लेट्स गो। ठंड बढ़ती जा रही है, ठंड नहीं रुकने की, लेट्स रोल। वापस से अपनी बाइक पे आ गए, बहुत ही मजेदार। सांस चढ़ती है भाई ऐसी रेगुलेशन पे। ये भी एक होंडा का ग्रुप आया हुआ पूरा, ये देखो गाइस होंडा की हाईनेस खड़ी है, एक दो आ रहे से बाकी सब हाईनेस है। तो निकल चुके हैं हम नूबरा वैली के लिए, मौसम देखो बाहर कैसा लग रहा है। भाई साहब वहाँ से जब चले थे ना, मैंने कहा था ना कि बहुत सारे हमें ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे चैलेंजेस आने वाले हैं, और निकलते ही, ज़्यादा दूर नहीं गए, निकलते ही हार्डली आपका एक दो किलोमीटर ऊपर जाके भाई रोक दिया बाइक्स को और बोला इसमें बैठो और इसमें अपनी लोड करवाओ बाइक और वहाँ पे जाके उतरो और फिर आप बाइक से जाओ। 1500 रुपये पर बाइक लिया और यहाँ तक आए हम, ठीक था, सेफ था वो, क्योंकि बहुत स्नो थी, बहुत ही ज़्यादा यार सीरियसली। हाँ गाइस ठंड इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा ठंड है, हाथ दो दो ग्लव्स लेयर पहनने के बाद भी जम रहे हैं भाई, बहुत ठंड लग रही है हाथों पे। हाँ क्या होगा अभी आगे जाके हमारा कुछ नहीं पता, होप फॉर द बेस्ट ऑलवेज। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। खारदुंगला पास इज वन ऑफ द हाईएस्ट पास इन इंडिया और इन द वर्ल्ड, जो कि 17,800 समथिंग फीट की ऊंचाई पे है और बहुत ही नज़ारेदार यार, मज़ा आ गया, सीरियसली मज़ा आ गया, थैंक्स। ये देखो गाइस राइट में कितना प्यारा नज़ारा है यार, कितना सुंदर लग रहा है। हाय, अब हम जा रहे हैं नूबरा वैली, वो भी बहुत सुंदर है मैंने सुना है, मज़ा आने वाला है वहाँ पे भी। और ये रोड है ना ये वाली, बहुत प्यारी यार, खारदुंगला से जब तुम नीचे उतरोगे नूबरा की तरफ तो तुम्हें रोड बहुत प्यारी मिलने वाली है। ये गए अपने अभिषेक भाई आगे को, हाथों पे बहुत ठंड लग रही है, ऊपर देखो गाइस कैसे क्लाउड्स ही क्लाउड्स हो रखे हैं। गाइस यहाँ से खारदुंग विलेज रह गया 5 किलोमीटर। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा होगा खारदुंगला तो तुम ऊपर छोड़ा है, तो मैं तुम्हें दोनों चीज़ों में डिफरेंट कर दूँ। खारदुंग है ना ये विलेज है, छोटा सा टाउन है, मतलब विलेज है छोटा सा, वो नीचे है पहाड़ के, और खारदुंगला एल ए जो होता है ना वो होता है पास, हाईएस्ट पास ऑफ माउंटेन, तो एल ए उसे बोलते हैं। तो खारदुंग जो है वो खार है, खार बोलते हैं बर्फ़ को, स्नो को बोलते हैं इनकी ले लैंग्वेज में। अभी हमें भैया ने बताया था, अपडेट दे रहा हूँ मैं तुम्हें, जिसको नहीं पता उसको भी पता लग जाएगा। तो दुंग पता नहीं क्या था, दुंग का मतलब कुछ बता रहे थे वो, खार मीन्स स्नो एंड दुंग पता नहीं क्या था, एंड ले एल ए मीन्स हाई माउंटेन पास। तो खारदुंग जो गांव है